इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं एज पर एज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो देखिए, ये है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, यहाँ से न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, बड़ा अच्छे से शब्दों की गहराई में जा कर के ध्यान से समझते हैं। तो चलिए निकाल लीजिए अपना अपना और नोट करना स्टार्ट कीजिए और तल्लीन होकर सुनिए। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग स्पायरोमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्पायरोमीटर। क्या होता है? स्पायरोमीटर होता है। ये स्पायरोमीटर है, स्पायरोमीटर है, ये स्पायरोमीटर है, स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो एयर की वॉल्यूम को मेजर करने के काम आता है। कौन सी एयर की वॉल्यूम? जो रेस्पिरेटरी फंक्शंस में इन्वॉल्व्ड है, जो ब्रीदिंग एक्शंस में इन्वॉल्व्ड है, जो ब्रीदिंग मूवमेंट्स में इन्वॉल्व्ड है, उस एयर का मेजरमेंट लेने के लिए स्पायरोमीटर काम में आता है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि जो भी पल्मोनरी फंक्शंस हैं उनका क्लिनिकल असेसमेंट इस स्पायरोमीटर से होता है कि यार इसको ब्रीदिंग विदिंग की कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, नॉर्मल है या नहीं है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो ये सारी चीज़ें स्पायरोमीटर से देखी जाती हैं। अब सबसे पहले जो मैं वॉल्यूम्स यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे एक है टाइडल वॉल्यूम, पहले नंबर पे है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, टीवी, टाइडल वॉल्यूम। गौर से देखना, व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? इट इज amount of air inspired or expired. amount of air inspired or expired during normal breathing. नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान जो भी एयर का अमाउंट हम अंदर लेते और बाहर देते हैं, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। वो जो वॉल्यूम है ना एयर की, वो जो अमाउंट है एयर का जो नॉर्मल ब्रीदिंग में हम अंदर बाहर लेते हैं, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। और ये कितनी होती है? 500 ml। ये टाइडल वॉल्यूम है। टाइडल वॉल्यूम अमाउंट ऑफ एयर या वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इन नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मली इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में, नॉर्मल स्टेट में जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड है, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। कितनी होती है? 500 ml। यही याद होना चाहिए, 500 ml है। याद रखनी है ये सारी चीजें और ये लाइन बड़ी याद रखनी है, ठीक है। अब तेरे को पता है क्या? होल इंस्पायर्ड एयर डजंट रीच अप द लंग्स। जितनी मैं लेता हूं उतनी लंग तक पहुंचती नहीं है। मैंने सोचा था कि पूरी पहुंचेगी, लेकिन पूरी पहुंचती नहीं है। जितनी मैं लेता हूं उतनी लंग्स तक पहुंचती नहीं है। तो क्या होता है? पोर्शन ऑफ एयर विच रिमेन्स इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज कॉल्ड एनाटॉमिकल डेड स्पेस एयर। एनाटॉमिकल डेड स्पेस एयर, दिस इज अबाउट 150 ml। दिस इज अबाउट 150 ml। क्या बोल रहा हूँ मैं? मैंने बोला, मैंने सोचा था मैं जितनी लूंगा पूरी अंदर जाएगी, पूरी लंग्स तक पहुंचेगी, पूरी जाती नहीं है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रह जाती है कुछ, पूरी जाती नहीं है, पूरी नहीं जाती, कुछ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रह जाती, कुछ अमाउंट, कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहती है और वो हमेशा रहती है। दैट इज कॉल्ड डेड स्पेस एयर, ठीक है, डेड स्पेस वॉल्यूम। दिस इज कॉल्ड डेड स्पेस वॉल्यूम एंड दिस इज अबाउट 150 ml। दिस इज अबाउट 150 ml। एक छम्मा छम्मा करता हुआ आदमी, एक कोका कोला करता हुआ आदमी, एक हेल्दी पर्सन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्स
6,000 to 8,000 ml ऑफ एयर पर मिनट एक नॉर्मल इंसान, एक हेल्दी इंसान एक मिनट में 6,000 से लेकर के 8,000 ml ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर करता है. इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्स 6,000 to 8,000 ml ऑफ एयर. यस और नो? हेल्दी पर्सन. एनाटोमिकल डेड स्पेस एयर 150 ml. टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल ब्रीदिंग में जितनी एयर काम में आती 500 ml. स्पायरोमीटर क्लिनिकल डायग्नोसिस. ना दूसरे नंबर पर एक दूसरी टर्म आती है मेरे पास, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसको मैं IRV लिखता हूँ, जिसको मैं IRV लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ जिसको IRV लिखता हूँ, ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है. क्या ये मेरे को बताओ ना, मेरे को जानना है क्या ये. दिस इज वॉल्यूम ऑफ एयर. अत्ता तो पता है मुझे, इतना नहीं पता होगा वॉल्यूम ऑफ एयर है, वॉल्यूम लिखी हुई है ना. आगे बोलो. इट इज वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पायरेशन ओवर टाइडल वॉल्यूम. यानी टाइडल वॉल्यूम क्या है, नॉर्मल कंडीशन में जितना इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन हो वो टाइडल वॉल्यूम है, लेकिन नॉर्मल नहीं, थोड़ा सा फोर्स दे करके जबरदस्ती मैं जितना अंदर खींचता हूं ना, मेरे को दम नहीं है, मैं नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कर रहा हूँ. यानी मैं, मेरे अंदर जो एयर की वॉल्यूम है वो टाइडल वॉल्यूम है ना, मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा. मुझे जोर लगाना है और मुझे फोर्स से एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर लानी है अंदर. मुझे फोर्स से जबरदस्ती एक्स्ट्रा वॉल्यूम एयर की अंदर लानी है बाय फोर्सिबल इंस्पायरेशन वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पायरेशन ओवर टाइडल वॉल्यूम. यानी टाइडल वॉल्यूम तो नॉर्मल कंडीशन में होती है, मेरे को फोर्स लगा के ज्यादा इंस्पायरेशन करना है. मैं बड़ा लालची हूं, मुझे ज्यादा इंस्पायर करना है ना. मैं हूं रेस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. सर मेरा नाम रेस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है. आई एम दैट वॉल्यूम ऑफ एयर जो लोग जबरदस्ती ले लेते हैं, जबरदस्ती छीन लेते हैं लोग एनवायरनमेंट से, जबरदस्ती लेते हैं. फोर्सिबल इंस्पायरेशन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पायरेशन ओवर टाइडल वॉल्यूम. और कितनी ले सकते हैं लोग लगभग, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होती होगी सर? ये देखो 2500 से 3000. अच्छा टाइडल वॉल्यूम कितनी थी बोलो, 1 2 3 500. अब ये नॉर्मल हेल्दी पर्सन छैया वाला कितना ले रहा था, 6,000 से 8,000 ml पर मिनट. पर मिनट. एनाटॉमिकल डेड स्पेस एयर कितनी थी, 150 ml. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो एक्स्ट्रा इंस्पायर कर रहा हूं मैं आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, दिस इज नोन एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बाय फोर्सिबल इंस्पायरेशन. एंड दिस इज अबाउट 2500 से 3000. कितनी है 2500 से 3000, याद कर लेना ये. देन ऑन द नंबर 3 एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अरे ये तो मुझे पता है, तेरे को कैसे पता? शेर मैं समझदार हूँ, मुझे बेवकूफ समझाए क्या? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब एक्स्ट्रा इंस्पायरेशन फोर्सिबली, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब एक्स्ट्रा एक्सपायरेशन. अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड ओवर टाइडल वॉल्यूम बाय मोस्ट फोर्सफुल एक्सपायरेशन. इसका उल्टा है सर, ये तो इसका उल्टा है. मैं समझदार हूँ, मैं समझ गया कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, कि जो धक्का देके जोर लगा के बाहर निकाली जाती है ना,
उसको फोर्सिबल एक्सपायरेशन बोला जाता है। कितनी होती है ये लगभग 1000 से लेकर के 1100 ml है। कितनी है ये है 1000 से लेके 1100 ml। ये कितनी थी? 2500 से 3000, ये 1000 1100, ये 500, ये 150। अब ये क्या कर रहे हो? देख लो मैं ये क्या कर रहा हूँ, याद करना है इनको। अब एक और वॉल्यूम है, वो है रेसिडुअल वॉल्यूम। बड़ी इजी है रेसिडुअल वॉल्यूम। अब क्या है रेसिडुअल? यानी जो बच जाता है, रेसिडुअल यानी रेसिडुअल वॉल्यूम जो बच गई है, यानी इट इज अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। यानी प्यार हो गया। हम यहां तेरे गाना सुनने आए क्या? पड़ा रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होती है? रेसिडुअल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन लंग्स, जो लंग्स में रहती है। अच्छा, वो तो डेड स्पेस एयर होती है ना, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में रहती है। ये कहाँ रहती है फिर? ये कहाँ रहती है? ये लंग्स में रहती है इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। यानी देख, टाइडल वॉल्यूम 500, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000, ठीक है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100, रेसिडुअल वॉल्यूम के बाद भी जो एयर अंदर बच गई ना, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी जो एयर अंदर बच गई उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। रेसिडुअल वॉल्यूम कांट बी गिवन आउट ऑफ लंग्स, मतलब ये लंग्स के बाहर तो कभी जाती नहीं, हमेशा ये लंग्स में रहती है, ठीक है ना। नाउ ये कितनी होती है रेसिडुअल वॉल्यूम? दिस इज 150 ml, दिस इज अबाउट 150 ml, ओके। ये कितनी होती है? 150 ml होती है, 150 होती है, 150 होती है, 150 होती है, 150, 150, 150. नाउ ये मैंने क्या बनाया है? ये मैंने एक स्पाइरोग्राम बनाया है, स्पाइरोमीटर को यूज करके मैंने एक ग्राफ बनाया है जो कि इन सारी एक्टिविटीज़ को, सारी जो फालतू बातें मैंने ऐसे करके शो किया उसको लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो, ये नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है, नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है यहाँ पर। देखो, इट इज़ टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। अब अगर मेरा जी नहीं भरा और मैं जोर लगा के फिर अंदर लूँ, जोर लगा के ऐसा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर कितनी है? 2500 से 3000 ml, ये कितनी है? फिर ये टाइडल वॉल्यूम के नीचे, मतलब मैं जोर लगा के एयर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दिस इज 1000 से 1100। और ये रेसिडुअल वॉल्यूम जिसका कोई तालमेल नहीं है, ये हमेशा रहती है लंग्स में, दिस इज 150 ml। दिस इज स्पाइरोग्राम फॉर पल्मोनरिया मिकेंसे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, ओके। अब जब हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को कंबाइन करते हैं तो रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज बनती हैं। जब हम पल्मोनरी वॉल्यूम्स को कंबाइन करते हैं तो वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज बनती हैं, वो बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, देखना।